और जुनून इंसान से कुछ भी करवा सकता है, इसके बहुत से उदाहरण आपने देखे होंगे। चलिए इस स्टोरी में हम सुनाते हैं एक ऐसे ही शख्स की कहानी जिसने किसान बनने के लिए छोड़ दी सरकारी नौकरी। ये पंजाब में पठानकोट के गांव जंगला भवानी के रहने वाले रमन सलारिया हैं, जिन्होंने बीटेक पूरा करने के बाद करीब 15 साल तक दिल्ली मेट्रो में सिविल इंजीनियर के तौर पर काम किया। पर शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी उन्हें रास नहीं आ रही थी। उनका मन अपने गाँव और खेत में रहने का था। गांव में आकर उन्होंने खेती शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती की। धीरे धीरे उन्हें बागवानी में मुनाफा होने लगा, जिसके बाद उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती भी शुरू कर दी। रमन की मेहनत और लगन को देखकर बागवानी विभाग भी उनकी मदद कर रहा है। रमन खेतों में ही स्ट्रॉबेरी की पैकिंग करते हैं। इसके बाद गाँव से दूर पठानकोट के साथ साथ आसपास के कई मंडियों में भेज देते हैं। इस संबंध में जब रमन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो करीब 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती करके हर महीने में 2.5 से 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। ड्रिप इरिगेशन की तकनीक से उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की थी। रमन को 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती करने में 4 से 5 लाख रुपए की लागत आई। सारा खर्च निकाल कर वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक मुनाफा कमा रहे हैं। ते बाकी लागत की गल करिए तो लागत सरे की कोई तकरीबन 4.5 लाख रुपए 1 एकड़, 4.5 से 5 तक भी चली जाती है 1 एकड़ की आती है। जो साढ़े प्लांट्स की कोस्ट आ और मल्चिंग शीट्स वगैरह, मतलब काफ़ी लो टनल करके कवर भी करना पैंता है सर्दी तो बचाने लिए, ठीक है जी। फिर पैकेजिंग मटीरियल की कोस्ट आती है, तो ये अपने तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपये साढ़ा इनवैसट हो जाता जी। मतलब कि इनिशियल डे तो इनवैसमेंट करनी पैंती है। तो दैन की फिर अगर गल करिए इनकम की, उस तो बाद जी साड़ी इनकम है कोई 2 से 2.5 लाख रुपए जी साड़ी, मतलब कि इनकम एक नेट प्रॉफिट है वो सानू ये बच। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर साल लगभग 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से 80% बेरोजगार रह जाते हैं। इसके बावजूद हमारे देश के युवा खेती को एक करियर विकल्प के रूप में चुनने से हिचकिचाते हैं। अक्सर पढ़ाई के बाद ज्यादातर युवा मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। आज के समय में जब भारत में खेती करने वालों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, वहाँ इंजीनियर से किसान बने इस युवक की कहानी ने उन युवाओं के लिए आशा की एक किरण की तरह काम किया है जो कृषि को करियर के रूप में देखना चाहते हैं। इंजीनियर की नौकरी छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे रमन सलारिया नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। Thank you.